सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हेल्थ पॉइंट को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप ई कोश पोर्टल के माध्यम से अपने विभाग के बजट अलॉटमेंट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं, साथ ही साथ हेडवाइज देख सकते हैं बजट को। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ई कोश की वेबसाइट में जाना होगा। ये वेबसाइट का एड्रेस मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ecoshonline.cg.nic.in इस वेबसाइट का एड्रेस है। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो सामने डैशबोर्ड में आपको बजट डैशबोर्ड दिखाई देगा। बजट डैशबोर्ड के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको बजट अलॉटमेंट रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे व्यू डिटेल में क्लिक करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो एक नया विंडो आपके सामने खुल जाता है, उसमें आपको बजट रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है, फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको DDO कोड एंटर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रैंडम DDO कोड एंटर कर देता हूं, उसके बाद बजट का जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है, तो और सीधे आपको शो रिपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद शो रिपोर्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका DDO कोड, आपके हेड का डिटेल्स, आपका अलॉटेड बजट, कितना बजट डिस्पर्स्ड किया है वो, सेल्फ एक्सपेंडिचर, बैलेंस, ये सब जानकारी इसमें दिखने लगती है। और नीचे जाने पर आप इसका टोटल भी देख सकते हैं, पूरी जानकारी का ये देख सकते हैं आप, नीचे इसमें जानकारी का टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ से ये पूरा बजट अलॉटमेंट आप देख सकते हैं अपने DDO कोड वाइज। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।